देखिए हमने काफ़ी एनालिसिस के बाद देखा है कि हर साल नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यानी कि पहले मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को उठाकर आने वाले एग्ज़ाम में रख दिया जाता है कई बार आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं एंड कई बार क्वेश्चन वही रहता है बस उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाता है तो इसलिए हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली इसी तरह के क्वेश्चंस देखेंगे हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस इजी लगें पर एग्ज़ाम के टाइम पर हम इन क्वेश्चंस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है तो आज हम देख रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्शन चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा तो पहला क्वेश्चन है द हार्डेस्ट सब्सटांस ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी इज या फिर क्राउन ऑफ तीत इज कवर्ड बाय तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है वर्टिब्रेट बॉडी का हार्डेस्ट सब्स्टांस क्या होता है और दूसरा है तीत का क्राउन किससे कवर्ड रहता है तो यहाँ पे ऑप्शन है किरेटेन एनेमल डेंटाइन एंड कॉन्ड्रेन तो इसका सही आंसर है बी एनिमल एनिमल इज द हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी देन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि मैमल्स में स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है माउथ स्टमक ईसोफेगस या फिर ड्यूडेनम तो इसका सही आंसर है ए माउथ मैमल्स में स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है थर्ड क्वेश्चन एच सी एल इज सीक्रेट बाय तो इसका आंसर आप जानते होंगे लेकिन ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका सही आंसर है बी ऑक्जेंटिक सेल इसके बाद ग्लैंड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ग्लैंड इनमें से कौन सी लेयर में पाई जाती है सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक म्यूकोसा ऑफ इलियम म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम या फिर म्यूकोसा ऑफ ईसोफेगस तो इसका सही आंसर है सी सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम यानी कि इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा में ग्लैंड पाए जाती है तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसके बाद टाइलिन इज एन एंजाइम ऑफ टायलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है या किसका एंजाइम है सलाइवरी जूस पेंक्राइटिक जूस इंटेस्टाइनल जूस या फिर नन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर है ए सेलेब्रिक जूस टाइलिन हमारे माउथ में पाया जाता है और ये सेलेब्री जूस का एंजाइम है इसके बाद कूफर सेल्स ऑफ लीवर आर लीवर में पाए जाने वाली कूफर सेल होती हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू फेगोसाइटिक सेल मास्ट सेल या फिर फैट सेल तो इसका सही आंसर है बी फेगोसिटिक सेल कुफर सेल्स फेगोसिटिक सेल्स होती हैं जो है. कि पैथोजन को किल करती हैं विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ बाइल ऑन फैट्स यानी कि फैट पर बाइल का या बाइल के एक्शन को हम क्या कहते हैं न्यूट्राइसिस डाइजेस्ट इमल्सिफाई एब्जॉर्ब या फिर डिजॉल्व तो इसका सही आंसर है सी इमल्सिफाई क्योंकि बाइल फैट का इमल्सीफिकेशन करता है इसलिए इसका सही आंसर है सी इमल्सिफाइस तो यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद कूफर सेल ऑफ फाउंडेन कूफर सेल कहाँ पाए जाती है तो इसका आंसर आप जानते हैं इसका सही आंसर है बी लीवर में लीवर में कूफर सेल पाई जाती है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर ब्रेन पैंक्रियाज या फिर थायरॉयड तो यहां पे इसका सही आंसर है ए लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन अमाउंट ऑफ सेलाइवा सिक्रेटेड डेली इन ह्यूमन इज यानी कि ह्यूमन्स में डेली कितना सेलाइवा सीक्रेट होता है टू फिफ्टी एम या फिर वन तो यहां पे सही आंसर है डी वन थाउजेंड एम या फिर वन लीटर तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद पैंक्राइटिक सिक्रेशन एंड गाल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन आर स्टूमुलेटेड बाय यानी कि पैंक्रियास के सिक्रेशन को और गाल ब्लेडर के कॉन्ट्रैक्शन को कौन स्टूमुलेट करता है गैस्ट्रेन एंट्रोकाइरिन एंट्रोगैस्ट्रॉन या फिर कोलेस्ट्रोकाइन पैंक्रियोजाइन तो इसका सही आंसर है डी कोलेस्ट्रोकाइन पैंक्रियोजाइमिन तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ दिस एंजाइम वर टू बी अप्सेंट इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी वुड बी सेवरली अफेक्टेड यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है यदि वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाएगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी कि इनमें से कौन सा एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है तो यहाँ पे ऑप्शन हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज माल्टेस लाइपेस या फिर एंट्रोकाइनेस तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी एंट्रोकाइनेस क्योंकि एंट्रोकाइनेस एक एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप सी नोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और ट्रिप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स तो इसलिए सही आंसर है ड्री एंट्रोकाइनिस इसके बाद द हार्मोन सिक्रेटिन इन स्टूमुलेट सिक्रेशन ऑफ यानी कि सिक्रेटिन हार्मोन किसके सक्रेशन को स्टूमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस बाइल जूस सलाइबरी जूस या फिर गैस्ट्रिक जूस तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए पैंक्रियाटिक जूस द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर ब्लड क्लोटिंग इन मैमल्स तो इनमें से मैमल्स में ब्लड के क्लोटिंग के लिए कौन जरूरी है कैल्शियम एंड विटामिन ई कैल्शियम एंड विटामिन के कैल्शियम एंड विटामिन ए या फिर पोटेशियम एंड विटामिन के तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी कैल्शियम एंड विटामिन के ये दोनों ही मैमल्स में ब्लड के क्लोटिंग के लिए ज़रूरी हैं तेन इसके बाद है अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बेरी बेरी रिकेट्स एंड स्कर्बी इफ ही इज नोट टेकिंग एडिक्यूएट अमाउंट ऑफ तो देखिए बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से होता है रिकेट्स विटामिन डी की कमी से एंड स्कर्बी विटामिन सी की कमी से तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी विटामिन बी वन विटामिन डी एंड विटामिन सी तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्शन चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह से हम पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप गारंटेड एग्जाम क्रैक कर पाएंगे थैंक यू वेरी मच